दिगरा शहर में कोरोना मरीजों के बेतहाशा बढ़ते आंकड़े अब मानो आम बात हो चुकी है। शहर में विभिन्न जगहों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट जारी है। इसी कड़ी में रविवार को नगर परिषद पर और किराना लाइन में कोविड कैंप का आयोजन किया गया। यहां पर लोगों की भारी भीड़ और प्रशासन की लापरवाही से सरेआम कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन नजर आया। कोविड-19 की जांच को अनिवार्य किए जाने से बेजार हुए शहर के व्यापारी मजबूरन कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। आए दिनों हर करवट पर जिलाधिकारी के नए नवेले फैसलों से ये परेशान हैं। परेशान इसलिए कि बगैर कोविड-19 जांच प्रमाण पत्र के किसी को दुकान या कारोबार शुरू रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस शर्त के बाद सख्ते में आए ज़्यादातर छोटे व्यापारी और विक्रेता स्वेच्छा से ज़्यादा मजबूरी के तहत इस कोविड जांच में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसलिए वे खुद आगे आकर प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने जो कोविड-19 के साथ संघर्ष चल रहा है उसमें व्यापारी भी उनको सहयोग करना चाह रहे हैं। श्री किराना व्यापारी एसोसिएशन, कन्फेक्शनरी और पान मटेरियल एसोसिएशन ने यहाँ पर कोविड टेस्ट के लिए कैंप लगाया है और उसके इसमें करीबन 90% किराना व्यापारी और कर्मचारियों का यहाँ पर कोविड टेस्ट हो जाएगा, ऐसी हमें अपेक्षा है। और प्रशासन को हम हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। मालूम हो कि रविवार को जहां 76 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, वहीं ऐसे में रविवार को ही नगर परिषद और किराना लाइन में आयोजित कैंप में बड़ी संख्या में लोग कोविड-19 की जांच कराने पहुंचे थे, जहां खुले में जारी कोविड जांच शिविर का आयोजन कर प्रशासन ने खुद ही मानो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को लताड़ दिया था। और फिर क्या था, लोगों ने यहाँ भीड़ की शक्ल में उमड़ कर रही सही कसर पूरी कर दी। ये नज़ारा एक तरह से किसी मदारी के खेल की तरह नज़र आ रहा है, जिसमें प्रशासन मानो मदारी है जो आवाम को बंदर बनाकर कोविड-19 जांच के प्रमाण पत्र का चाबुक दिखाकर कोरोना रोकथाम के नाम पर मनचाही गुलाटी मारने पर उन्हें मजबूर कर रहा हो। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।